global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. वर्ली विधानसभा क्षेत्र के आमदार पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के माध्यम से वीर जीजामाता नगर 197 वार्ड के कार्य सम्राट नगर सेवक दत्ता नरवणकर, जीजामाता नगर, रमाबाई, सुभाष नगर, आनंद नगर, कामली नगर और आसपास के रहवासियों को जब से कोरोना पेशेंट मिले हैं तब से आज तक अपने वार्ड में लोगों को राशन और खाने का इंतज़ाम करते आ रहे हैं और पिछले महीने 25 अप्रैल से रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए रोज़ 3000 से भी ज़्यादा लोगों को इफ्तारी का सामान और खाना मनपा के सहयोग से भिजवा रहे हैं। मेरा नाम दत्ता नरवणकर, यहाँ के 197 के कॉरपोरेटर। आज आप लोगों को मालूम ही होगा कि पूरे वर्ल्ड में, जग में जो कोरोना का लगन लगी है, इसमें हमारा ये मरियामा नगर है, यहाँ पे करीब करीब 5000 से 6000 लोग रहते हैं और आज तक यहाँ पर अच्छा था, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है, यहाँ पे 10-12 कोरोना के पेशेंट पॉजिटिव यहाँ पे मिलने चालू हो गए हैं। कल से मैं प्रशासन से बात किया हूँ कि कैसे भी करके यहाँ पे डॉक्टर की चेकिंग होनी चाहिए और लोगों को यहाँ पे दर दिन मुंबई महापालिका की तरफ से अनाज आना चाहिए। कुछ दिनों के पहला 9 तारीख और 22 तारीख को हमने यहाँ पे अनाज की व्यवस्था की थी और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत गरीब स्थिति में रहते हैं। कोई घर काम करने वाले, कोई मजदूर है, दर दिन कमा के खाने वाले, कोई जरी वाले के कारखाने, ऐसी ये परिस्थिति में आज लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया। मेरी प्रशासन से मांग है, मुंबई महापालिका से मांग है कि यहाँ के लोगों की समस्या जानकर जल्दी से जल्दी उपाय योजना करिए कि इस जो कोरोना की जो बीमारी है सब यहाँ के नगरवासियों की इमीडिएटली उनके डॉक्टर की तपास नहीं होनी चाहिए। ये आपके साथ राशन बांट रहे हैं, आपको कितने लोगों से बात चुकी है, क्या क्या आपने हम लोग यहाँ पे 1700 लोगों को राशन बांटे और अनेक बहुत से सोई संस्था है उन्होंने भी यहाँ पे राशन बांटे और आज से मैंने चालू किया है कि यहाँ के जो मजदूर हैं उनको खाना मिलना चाहिए। तो मुंबई महापालिका की तरफ से डेली यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता है, बहुत से हमारे शिवसैनिक है, वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों को घर घर तक कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं, घर घर तक खाना पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे मेरे भाई सापले हैं, अल्ताफ शेख है, शकील भाई है, दादा सापले हैं, ऐसे बहुत से कार्य करते हैं और वो घर घर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। रमजान शुरू हो चुका है, रमजान महीना शुरू हुआ है, ये पवित्र महीना है और ये पवित्र महीने में हमने जो शाम के टाइम जो रोजा छोड़ते हैं उनके लिए भी 1001 पैकेट हमने यहाँ पे रोजा छोड़ने की, उसमें फ्रूट है और कुछ मेरे ख्याल से ऐसी जो सो चीज़ है जो रोजा छोड़ने के काम आती है वो हमने चालू किया है। कभी यहाँ पे, कभी जीजामाता में, कभी वीपी नगर में, कभी मार्कंडेश्वर नगर में, ऐसे सब जगह में 1800, 1500, 1000 ऐसे हमने उन्हें चालू किए हैं। ये वर्ली लाइक कहते तो हॉटस्पॉट है, ये काफ़ी लोग काफ़ी गेस्ट यहाँ से बाहर आए हैं, इसके बारे में क्या क्या लोगों को कहेंगे, क्या फील करेंगे लोगों से, अभी भी देखा लोग बाहर आ रहे हैं? तो बराबर है, क्योंकि यहाँ के जो घर हैं वो बहुत छोटे छोटे घर हैं और वो छोटे छोटे घर होने के कारण लोगों को रहना बहुत मुश्किल है। एक घर में अगर एक दो लेडीज रहती है तो अगर एक घर में अगर 4 जेंट्स है तो उनको सबको बाहर आना पड़ता है, क्योंकि उनका नहाने का है, कपड़ा चेंज करना है, ये सब परिस्थिति। क्योंकि अपन बाहर यहाँ पे रह के बहुत कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन जो मजबूरी लोगों की है वो तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं ही झोपड़पट्टी से बड़ा हुआ चुका हूँ तो मुझे सब मालूम है कि इनकी समस्या क्या है। और आपने अभी कहा कि लोग बाहर आ रहे हैं, मैं जनता को, यहाँ के नागरिकों को आह्वान करना चाहता हूँ
क्या बाहर मत निकलो, घर पे रहिए, लेकिन मजबूरी है कि बाहर निकलना पड़ता है, जगह छोटी है। छोटे डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं मेरे ख्याल से। एक कोरोना का जो उद्भव हुआ उस टाइम से आज तक मेरे ख्याल से 10 दिन के पहला तक यहाँ पे एक भी कोरोना के पेशेंट नहीं थे पॉजिटिव, लेकिन अभी अभी कहाँ ना कहाँ तो रेशन है, मजबूरी में किसको बाहर जाना पड़ता है, और उससे ये कोरोना तो कुछ मरियमा में था नहीं, ये कोरोना जो आया है वो बाहर से आया है, तो ये बाहर में कोई गया है और उससे वो लागन हुई है, और वो से यहाँ पे ज्येष्ठ लोग हैं उनको वो ज़्यादा लग रहा है जिनकी कमजोरी है। सर मैं राजेश पांडे, मेरा बॉर्न मुंबई में हुआ, वर्ली में हुआ, लेकिन मैं हूँ उत्तर प्रदेश से, मेरी फैमिली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी, और मैं उत्तर प्रदेश के कोर कमेटी सदस्य हूँ शिवसेना का। हमारे नरवनकर साहब जो हमारे यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर है, अभी तक उन्होंने 16 से 17 हज़ार किट बांटे हैं पूरे उनके वार्ड में, और उन्होंने ऊपर नीचे हर घर को दिया, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, कोई कार्ड नहीं देना था, कोई सेल्फी फ़ोटो नहीं लेना था, उनको ज़रूरतमंद नहीं बोल के, उनकी जवाबदारी बोल के उन्होंने उनको दिया। ये ऑर्डर आदित्य साहब ने दिया, उनकी जवाबदारी थी, वर्ली के यहाँ के विधायक है, मंत्री है, और आज सरकार भी उनकी है, तो उनके आदेशों का पालन के तौर पे दत्ता साहब दिन रात आप देखेंगे। आज वर्ली विभाग में तो मैं बता सकता हूँ कि इनको छोड़ के दूसरा कोई कॉरपोरेटर इतना नहीं दिख रहा जितना ये दिख रहे, बाकी वार्ड में होते होंगे उनके लोग करते, जो हम लोग देख रहे हैं, हमारा नगर सेवक 24 घंटा सबके दरवाजे पे अवेलेबल है, कोई भी काम है, बेसिक समस्या से लेके बड़ी समस्या, हॉस्पिटल से लेके क्वारंटाइन से लेके वापस उनको घर के लाने तक का पूरी जवाबदारी के साथ, जो लोग क्वारंटाइन गए उनसे भी संपर्क में रहते हैं, पोदार हॉस्पिटल हुआ, धूम में हुआ, फिर विसावा में हुआ, जो भी है जिनको क्वारंटाइन किया उनके संपर्क में रह के उनको वापस से उनके घर तक लाने तक की जवाबदारी, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा आज तक राजनीति में। मैं भी 20 साल 25 साल से राजनीति में कर रहे, लेकिन ऐसा नगर सेवक हम लोग ने नहीं देखा। ये दिल की बात है कि दिल से हम लोग उनको आज मान रहे कि इन्होंने एक ऐसी जवाबदारी लिया भगवान का, जैसे डॉक्टर को दूसरा रूप बोलते, आज हमारे वार्ड में नगर सेवक को दूसरा रूप में काम कर रहे। कुछ लोग 10% लोग अच्छे होते बुरे होते बोलते हैं, राजनीति सब चल रही है, लेकिन यहाँ बिना किसी राजनीति के लोगों की मदद के लिए आज वो जमीन पे उतर के काम कर रहे हैं। आज 1 मई का दिन है, महाराष्ट्र डे, आज का दिन कामगार डे है, कामगार तो आज सब घर में बैठा है, ऊपर वाले से हम मनाते हैं वापस से सब काम चालू हो और सबके अच्छे दिन आए, उद्धव साहब को अच्छी लंबी उम्र दे, क्योंकि आज जिस हिसाब से आज वो महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं, हमें तो ऐसा भविष्य दिख रहा है कि हमारा नेता शायद दिल्ली में होगा। जिस हिसाब से आज यहाँ पे क्वारंटाइन और वर्ली को पूरा वर्ल्ड मान रहा है कि वर्ली में जिस हिसाब से आदित्य साहब ने इसका प्लानिंग किया और उसको इम्प्लीमेंट उद्धव साहब ने किया, तो ये तो पूरे विश्व में जाने वाला है कि जिसको बाकी लोग हार गए ये वर्ली उसको बीट कर रही है। मेरा नाम अब्दुल शेख है और मैं एक शिवसैनिक का एक हिंदुस्तान का छोटा नागरिक हूँ, और बाला साहब ठाकरे साहब ने बोला था ये युवा युग है, कि आज बाला साहब ठाकरे हमारे बीच नहीं है, मगर एक युवा युग है कि सीएम जो है जो ग्राउंड से जो चलते हैं वो उद्धव साहब है, और ये भी एक युवा युग है कि यहाँ से जो आमदार है जो मंत्री है वो आदित्य ठाकरे साहब है, तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है वर्ली कर लोगों की जो इतना कोरोना तेजी से फैला, तो इसमें कोई धर्म के लोग नहीं है, सब धर्म के लोग एक साथ जुड़े और उसको कई किस तरीके से कंट्रोल करे, चाहे वो महापौर रहे, चाहे वो सुनील शिंदे साहब रहे जो आमदार साहब माजी आमदार साहब है, और हमारे यहाँ के जो हमारी नसीब समझे कि जो मतलब यहाँ पे जो दबंग नगर सेवक है जो इतने वार्ड के जो नगर सेवक है कोई आया नहीं है, मतलब कोई काम करने करता होगा, मगर ये हमारे जो दत्ता साहब है दबंग नगर सेवक फर्स्ट डे से, चाहे ये कोरोना पेशेंट को यहाँ देखा जाए, चाहे वो अपना नायर में जावे, चाहे वो डोम में जावे, चाहे वो पोदार में जावे, खुद अटेंड करते और उनकी टीम, और हम लोग भी देखते हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से आदित्य साहब ने इतना भेजा है राशन जो हमारे दबंग नगर सेवक के वजह से जो इतना कॉपरेट किया, यहाँ नहीं दूसरी जहाँ नहीं लगता है वहाँ पे भी भेजा है, और अब जाके वो थोड़ा कोरोना कंट्रोल में आया है, और ऊपर वाले से दुआ करूँगा इंशाल्लाह भगवान की कृपा रहे तो ये हम लोग यहाँ ये जंग बहुत जल्दी जीत जाएंगे।